नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल स्किनर बनाया उसी के थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। बाय लेवल एंड सेल लेवल ऑफ सम स्टॉक्स, इक्विटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटी फ्यूचर्स और 100 DEMA स्ट्रेटजी, कौन सा स्टॉक्स में फॉर्म हुआ है और कैंडल स्टिक पैटर, इनसाइड द बार, कौन सा स्टॉक्स में फॉर्म हुआ है। तो ये मंडे के लिए, मतलब 20 जनवरी 2020 के लिए मैंने दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को ये वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन मैंने रेगुलर देता हूँ, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। और बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रैटेजी है, टेक्निक है, जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और सबसे बड़ा जो चीज़ है कि ये जो स्किनर है, इसको कैसे स्किन करना, इसमें क्या क्या है आप लोग, और कैसे इसका लाइव ट्रेडिंग एग्जाम्पल मैंने दिया हूँ, और फिबोनाची, इसका फिबोनाची स्ट्रैटेजी, ये मोस्ट इफेक्टिवली कैसे, उसका वो सब आप लोग को देखने के लिए, उसके बाद आप लोग जब इसको देखेंगे और यूटिलाइज करेंगे तो आप लोग को बहुत ही फायदा होगा। और इसका डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा। और इसमें आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है, उसका लिंक भी आप लोग को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, मैंने बाइसल सिग्नल कम स्किनर में तीनों रहता है, बाइसल लेवल 1, 2 और 3 और कुछ इंडिकेटर्स रहता है। और आप लोग बाकी सब देख लीजिए क्या क्या है, कैसे स्क्रीनिंग करना है। इसका बाई लेवल मैंने दिखाता हूँ, बाई सेल लेवल 1 का बाई अब लेवल प्रिंट्स में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ, और सेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से लेवल तरफ, टारगेट 8 टारगेट 4 1 से लेकर टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 बाएं दाएं तरफ रहता है। तो उसके बाद इसका आप लोग गैप अप और गैप डाउन कंसिडर कर लेंगे। सोच लीजिए कि इधर 705 से 707 के बीच में ओपन हुआ है, तो आप लोग 707 का ऊपर जब जाएगा तब आप लोग एंट्री लेंगे। तो ऐसे करके आप लोग को समझ लेना पड़ेगा कौन सा लेवल पे है। उसके बाद ये है बाइसल लेवल 2 और इसके बाद बाइसल लेवल 3, सॉरी इसके बाद आएगा बाइसल लेवल 3। इसका बीच में कुछ इंडिकेटर्स है, कुछ कैलकुलेशन है। ये है बाइसल लेवल 3 और मैंने बोलिंजर बैंड, ये है स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, इसका वैल्यू आप लोग नोट कर सकता है, ये भी एंट्री पॉइंट हो सकता है। बोलिंजर बैंड का अपर बैंड, मिड बैंड एंड लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, इसका भी एंट्री पॉइंट हो सकता है। प्राइस चैनल का अपर बैंड, मिड बैंड, लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, ये भी एंट्री लेवल हो सकता है। और टीडाउन लेवल का जो टॉप लाइन, मिडिल लाइन, बॉटम लाइन जो है, उसका वैल्यू भी आप लोग नोट कर सकता है। मैंने इसका निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू दिखाऊंगा। ये मैं कमोडिटी का व्यू दिखाता हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा कुछ फ्यूचर्स का व्यू दिखा दिया, वो ओनली बाइसल लेवल 1 दिखा है। उसके बाद 100 DEMA का कौन सा स्ट्रैटेजी में फॉर्म हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। इधर देखिए, सॉरी ये तो फ्यूचर्स है, मैंने आप लोग कैश का जो लेवल दिखा था उसमें आप लोग फ्यूचर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उसका जब भी प्राइस आएगा, इसका सोच लीजिए कैश का जो 100 DEMA का है, इसका इसमें ACC में है, इसका हाई लो ब्रेक करने के बाद एंट्री लेना है। तो 100 DEMA मूविंग एवरेज इसको काट किया है, तो इसका हाई लो जब ब्रेक करेगा एंट्री लेना, तो इसमें फ्यूचर में भी आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सर देख, आप लोग को दिखाना चाहता हूँ एसएससी फ्यूचर्स, इसमें सॉरी एसएससी का कैसे फॉर्म होता है, क्या स्ट्रेटजी क्या है, आप लोग पता है होना चाहिए। लेकिन बहुत सारा आदमी मेरे को फिर से पूछता है कि आप लोग एक्चुअली प्रीवियस वीडियोस आप लोग को देख लेना चाहिए, इसीलिए मैंने बार बार बोलता हूँ कि आप लोग प्रीवियस वीडियोस देख लें, क्योंकि इसमें मैंने बार बार करूँगा तो मेरा जो असली जो जो कुछ दिखाना है वो टाइम नहीं मिलेगा, टाइम ख़त्म हो जाता है, वीडियो का मेरा लिमिटेड टाइम है। तो देखिए इसमें इसको 100 डे ईएमए को ईएमए इसका काट करता है, मेरा टाइम थोड़ा हो जाता है। ये देखिए ये 100 डे मूविंग एवरेज है, ये देखिए एसएससी को काट करता है। तो इसका जब हेलो तोड़ेगा, देखिए प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट में कुछ प्रॉफिट आ जाता है आप लोगों को सभी में जानता है, लेकिन जब ये 100 डे में जो इसका काट करता है उसका हेलो ब्रेक होने का एक सिग्निफिकेंस है, तो उसका आप लोग सभी ने जानता है जो मूविंग एवरेज लेके या टेक्निकल एनालिसिस करता है, तो उसका जब हाई लो तोड़े तोड़ता है तो उसका मूवमेंट अच्छा मिलता है। तो देखिए एसीसी में क्या किया है, बैंक बड़ौदा, बेल, बीपीसीएल, कैस्ट्रॉल इंडस्ट्री, कैस्ट्रॉल इंडिया, इसमें आप लोग और भी सारा है, लेकिन आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होगा उसके बाद उन लोग को आप लोग को ये देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा उसके बाद इनसाइड द बार्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, देखिए 1 डे का हिसाब से, 2 डे का हिसाब से, NR4 और NR7 का हिसाब से, देखिए एसीसी सॉरी अमराजा बैटरी में फॉर्म हुआ है आप लोग को, देखिए NR4, NR7, 2 डे, 3 डे का आप लोग को पता होना चाहिए। अमराजा बैटरी में देखिए सॉरी कैंडल, इसमें देखिए 1 डे का हिसाब से इनसाइड दबा रहा है, मतलब इस इधर अगला दिन का जो कैंडल है वो मतलब लास्ट दिन का जो कैंडल है वो अगला दिन का कैंडल का अंदर रह गया, मतलब हाई और लो का बीच, अगला दिन का हाई और लो का बीच में रहेगा 2 डे का हिसाब से जब होगा तो। और NR4 NR7 का मतलब है सो इसमें ये छोड़ के और तीन जो कैंडल है इसका हाई और लो का जो डिफरेंस है और इसका जो हाई और लो का डिफरेंस है सबसे कम है, मतलब ये कॉम्प्रेस्ड हो गया है, तो इसका हाई लो जब तोड़ेगा तो आप लोग NR4 स्ट्रेटेजी पकड़ेंगे तो इसका हाई लो तोड़ना है, तोड़ के आप लोग हाई लो ब्रेक होने के बाद आप लोग एंट्री ले सकता है बाई या सेल। और आप लोग इनसाइड द बार देखिए, माने दोनों एक साथ फॉर्म हुआ है तो NR4 या सॉरी इनसाइड द बार पर गएंगे तो ये 1 डे का जो हाई लो है इसका ब्रेक होना चाहिए, तो इसमें मेरा डे 2, डे 1, डे हाई 7 डेज का मतलब हाई लो क्लोज मेरा इधर है, आप लोग इसको यूज कर सकता है। इधर देखिए इधर इधर देखिए NR4 NR7 का हुआ है, इसमें आप लोग देखिए कॉल पैल में ना NR4 2 डेज का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हाँ इसमें हीरो मोटो में आया है, तो हीरो मोटो में आप लोग को दिखाता हूँ, हीरो मोटो में देखिए इसमें ये जो का लास्ट कैंडल है, ये जो 2 डे का कैंडल है, ये दोनों कैंडल इसके अंदर रह गया, तो इसके बाद और भी कुछ कैंडल फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं, हाई हाई लो दोजी सेकआउट मास्टर लॉन्ग, ये सब सभी में आप लोग कुछ कुछ नोट कर लीजिए, लोग कर सकता है लॉन्ग स्टिक पैटर्न, इसके बाद ये सब आप लोग को बेयरी सारामी बुली सारामी जो कुछ भी है आप लोग ऊपर हेडिंग देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं, तो इसमें आप लोग को फायदेमंद होगा। और जो मेरा जो फिबोनाची लेवल का स्ट्रैटेजी है आप लोग कुछ भी देख के कुछ स्ट्रैटेजी चुन लीजिए, उसके बाद आप लोग का इसका नियम अनुसार आप लोग कर सकते हैं कि इसका हाई लो बढ़ेगा तोड़ेगा, मतलब 1 डे का हाई लो तोड़ेगा, क्या करेंट कैंडल का हाई लो तोड़ेगा, फिर 2 डे कैंडल का हाई लो तोड़ेगा, वो नियम अनुसार भी कर सकते हैं जो उस स्ट्रैटेजी का नियम है। और भी एक काम कर सकता है जो भी जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, वो मैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, सोच लीजिए कुछ स्टॉक्स आप लोग कुछ भी स्ट्रैटेजी लेके कुछ स्टॉक्स चुन लिया, उसके बाद उसका फिबोनाची का लेवल 7 दिन का हिसाब से बाई लेवल देखिए, सेल लेवल देखिए, 5 डेज का हिसाब से बाई लेवल देखिए, सेल लेवल देखिए, 2 3 डेज का हिसाब से बाई लेवल सेल लेवल देखिए, 2 3 डेज का हिसाब से बाई लेवल सेल लेवल देखिए, और 1 डेज का हिसाब से बाई लेवल सेल लेवल देखिए, जो आगे आएगा उसको उसका